तो यार मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 8 की MIUI 12.5 Enhance अपडेट के बारे में। तो यार पसंद आती है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यार आजकल आप वीडियो को लाइक करते ही नहीं है, चैनल जो है बहुत ही जल्द डेड हो जाएगा अगर आप ऐसा करते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो अपडेट है आज ही जो है वो फुली रोल आउट होनी स्टार्ट हो चुकी है पब्लिक में। ये ग्लोबल अपडेट है, यहाँ पर MIUI 12.5.1.0 कुछ यहाँ पर लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पर अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच लेवल है और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर यार अच्छी बात है, परफॉर्मेंस में जो है काफ़ी इन्हेंसमेंट यहाँ पर आ चुकी है, काफ़ी सारे नए नए फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बारे में यार मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी हुई है कौन कौन से नए फीचर आए हुए हैं इस अपडेट में। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। पर यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर आए हुए हैं, जैसे कि अब आपको जो है कंट्रोल सेंटर ब्लर देखने को मिलता है और आप लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल सेंटर 2.0 है अभी। यार यहाँ पर डेटा यूसेज का ऑप्शन नहीं आया है, पता नहीं आएगा या नहीं। यहाँ पर आपको न्यू वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यार यहाँ पर आपको जो है वो भी देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो सेटिंग्स में जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में मेमोरी एक्सटेंशन भी देखने को मिल जाता है। इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है पर यहाँ पर अभी नहीं आया था तो आ गया है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर सेव बैटरी बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाता है, तो ये भी यार काफ़ी अच्छी बात है। तो फुल जो है मैंने इसका पूरे फीचर्स के बारे में वीडियो बनाई हुई है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले तो हमने इसमें खोया क्या है, तो चलिए पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, परफॉर्मेंस ठीक है यार, बुरी भी नहीं है अच्छी भी नहीं है, पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा इस डिवाइस में जब आपको MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट मिलेगी आपके डिवाइस में। ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली जैसे एंड्रॉयड 10 में थी, पर ठीक ठाक मिल जाती है। कुछ नए फीचर आ गए हैं तो इसीलिए जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी गिरावट आई है, पर यार फ़ोन अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर बात करें Geekbench की, तो क्या स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो एक्सेप्ट करके एक बार रन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा स्किप करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यार फाइनली कंप्लीट हो गया है। सिंगल कोर हमें 306 मिलता है, मल्टी को 1325 मिलता है, जो कि सिमिलर ही है यार, पीछे के जो पिछला हमने टेस्ट किया था कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं, ये 15 मिनट का होता है। तो हमने जो फ़ोन है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, परफॉर्मेंस मोड पर लगाया हुआ है ताकि जो है अच्छा परफॉर्मेंस मिले थ्रॉटलिंग टेस्ट में। तो यहाँ पर जो है रन कर लेते हैं, ये 15 मिनट का होता है, तो मैं स्किप कर देता हूं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एंड में जो है यहाँ पर डिप हुई परफॉर्मेंस आप देखेंगे। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैक्सिमम स्कोर हमें देखने को मिला 1,52,000 के करीब, एवरेज रहा यहाँ पर 1,33,000 के करीब और जो मिनिमम था वो था 83,000। तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिप हुई एंड में आप देख सकते हैं, पर यार वैसे जो है वो फ़ोन ठीक चल रहा है, कोई यार इसमें मेरे को इशू नहीं लगा, मेरा ये बग अभी तक नहीं गया है। यहाँ पर सेटिंग्स में अभी भी एंड्रॉयड 11 ही दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने जो है वो अल्फ़ा लॉन्चर भी यूज़ अनइंस्टॉल कर दिया, पर Xiaomi के क्या कहने हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो जो भी है आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट में भी दोस्तों कुछ फीचर हमें देखने को नहीं मिले हैं, जैसे कि यार जो फीचर रिमूव कर दिए गए हैं। पहला तो है यहाँ पर आप देखेंगे हम अनलॉक डिवाइस करते हैं तो कोई एनिमेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो एनिमेशन जो है बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन भी जा चुके हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको एनिमेशन चाहिए तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप को रिमूव करते हैं तो एक अच्छा एनिमेशन यहां पर देखने को मिलता है, तो ये मेरे को अच्छा लगा। तो
कुछ 3D इफेक्ट मिल जाता है, तो ठीक है यार। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप जाते हैं अपनी जो है फ्लोटिंग विंडो में, तो फ्लोटिंग विंडो जो है वो काम कर रही है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फ्लोटिंग विंडो का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है स्प्लिट स्क्रीन का फीचर अब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में भी चले जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर चले जाते हैं बटन्स एंड शॉर्टकट्स में, तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्च कैमरा, टेक स्क्रीनशॉट एंड ऑल दैट यहाँ पर मिल जाते हैं, पर या जो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है वो यहाँ पर जो है वो रिमूव कर दिया गया है। ये सिर्फ रिमूव किया गया है 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज। अगर आपके पास 6GB रैम वेरियंट है तो आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पर ये जो है रिमूव किया गया है 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज। एनिमेशन तो 6GB में मिल जाते हैं पर ये भी यहाँ पर गायब हो चुके हैं। तो अपडेट यार अच्छी है, कुछ फीचर यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं, पर यहाँ पर अपडेट जो है वो ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा इशू आपको नहीं आएगा। पर एनिमेशन चले गए हैं, अब वो मज़ा नहीं आता, आप समझ रहे हैं ना, मेरे को गलत वाला मज़ा नहीं, फ़ोन चलाने में मज़ा नहीं आता कि यार हाँ भाई आप ऐप खोलते हैं, बंद करते हैं, एनिमेशन आते हैं तो देखने में अच्छे लगते हैं, अब वो नहीं आते तो थोड़ा सा दिल को लगता है कि यार एनिमेशन नहीं है। बाकी दोस्तों सब सेम है, कुछ फीचर आ ही गए हैं। तो बात करें यार इंडिया की, ये तो ग्लोबल की अपडेट है, ग्लोबल की अपडेट है, ये ग्लोबल वर्जन है, तो इंडिया में आते आते एक दो महीने लग जाएंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो TWRP रिकवरी के साथ आप इसे फ्लैश कर सकते हैं इंडिया में, वरना नहीं, तो वेट कीजिए, बहुत ही जल्द इंडिया में भी ये अपडेट आ जाएगी, पर अभी ग्लोबल में देखने को मिली है। ये सारे फीचर आए हैं, परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर दी गई है और अच्छी बैटरी आपको मिल जाती है। अब मेरे हिसाब से बैटरी में थोड़ी बहुत जो है वो सुधार हुआ है यहाँ पर, तो अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल लिखा हुआ है, तो सब वैसे का वैसे ही है, बाकी दोस्तों सेम है। तो यार ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर Redmi Note 8 की MIUI 12.5.1 इनहेंस अपडेट के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।